विश्वास अब तुम क्या देख पाओगे, क्या देखोगे, यही तो विश्वास तो करना है। तुम निकुंज और वृंदावन निकुंज तो है, और जैसे भी है तैसे उनके हैं, और आप भी मानते हैं, हूँ कहावत सब कहा, तो तुम्हारे मानने में क्या, आप किसको आँख मूंद के तुम ध्यान करते हो, साथ चल रहे हो तो तुम इतने मगन हो जाओ कि कितना बड़ा सौभाग्य श्री जी ने दिया कि हम चल रहे, तो तुम्हारी वो मगनता तुम हमारे स्वरूप का दर्शन तुम्हें कराने लगेगी। और जब ये भाव, जैसी भावना रखोगे वैसे ही भाव का प्राकट्य हो जाएगा, है कि नहीं। हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे दाता हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सब कुछ हैं संत में। बस जान लो कि उसी क्षण में सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और जब ये होगा कि बिना साधना के थोड़ी कुछ होगा, ये थोड़ी कि इनके तुम पीछे डोलते रहे तो सब हो जाएगा, तो बस वैसे ही जैसा ये यथा प्रसन्नते भजाम में हम मम वर्तमान वर्तन से मनुष्या पार्थ सर्वता, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। अपना सौभाग्य मानना चाहिए, जब संतों का संग मिले तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए, जो हो प्रभु ने मुझे कृतार्थ कर दिया, मुझे संत संग प्रदान कर दिया, है ना। हृदय में इतना उल्लास हो जैसे जैसे मेघ को देख करके मोर कुहकती है और नाचती है, ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसे सदगृहस्थ ऐसे हरिभक्त वैष्णव को देख करके और वो नाचने लगते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो एक क्षण के लिए साधु संग हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। तो सामने वाला साधु है कि नहीं, इससे मतलब थोड़ी तुम्हारी भावना क्या है। गुरु माने कि आप शिष्य हो, इससे आपका कल्याण नहीं होना। गुरु माने कि आप मेरे शिष्य हो तो इससे कल्याण नहीं होना तुम्हारा। शिष्य माने कि ये मेरे गुरुदेव हैं तब कल्याण होगा। शिष्य की मान्यता से ही शिष्य का कल्याण होगा, गुरु की मान्यता से ही। द्रोणाचार्य ने कहा कि तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, या क्षत्रिय राजकुमार के बीच में ये कोल भिल्ल जाति का तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, हुआ ना। और उसने बनाया गुरु द्रोणाचार्य जी को, और जाकर एकांत में मूर्ति विराजमान करके जिस समय बाण संचालन शुरू किया, तो इस प्रकार से प्रेमी हुआ कि अर्जुन को जो विश्व विजेता धनुर्धर का आशीर्वाद दिया था वो खेल होना संभव हो गया। अर्जुन ने एक बाण जितनी देर में उस कुत्ते के मुंह में डाला उतनी देर में कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। उन्होंने कहा ओहो इतना बड़ा विश्व में धनुर्धर कौन हो गया। रहे नजदीक, उन्होंने कहा वाह भाई वाह, तुम्हारी सराहना करता हूँ, तुम्हारे इस हस्त लाभों की सराहना करता हूँ, उनका मेरी सराहना करता हूँ, मेरे सदगुरुदेव का प्रभाव है। बोले आपके सदगुरुदेव कौन? गुरु द्रोणाचार्य। उनका महाचार्य गया और दिखाया, अरे द्रोणाचार्य जी के पास सुन लिया। अब देखो गुरु ने नहीं स्वीकार किया लेकिन शिष्य ने स्वीकार कर लिया है। कबीर दास जी ने रामानंद जी से कहा भगवान मुझे शिष्य, अरे उनका मैंने तो मान लिया। अब गुरु मंत्र लेना तो सीढ़ियों में लेट गए, तड़के हो जाते थे गंगा स्नान करने, तो जे ही पैर पड़ा तो उनका अरे बेटा राम राम को, बोले गुरु जी राम राम आधे मिल गया मंत्र। गुरु ने नहीं माना शिष्य, लेकिन उन्होंने अब इनके अंदर विविध प्रकार के दिव्य चमत्कार प्रकट होने लगे। तो अन्य लोगों ने पूछा कि आपके गुरुदेव कौन है, तो उनका रामानंद जी। जब उनके गुरु भाइयों ने सुना तो उनका अरे हमारे गुरु जी ने कब इनको दीक्षा दी, बुलाए गए सभा में। रामानंदाचार्य जी विराजमान थे, कबीरदास जी को जब बुलाया गया तो रामानंदाचार्य जी ने कहा बेटा राम राम, उनका स्वभाव था ऐसे, बोले बेटा राम राम कहो, कब तुमको गुरु मंत्र दिया, बोले गुरु जी राम राम अभी अभी आप ले दिया। जय जय श्री राम। अरे गोसाई जी राधा रमन लाल, राधा रमन लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, कृपा आज गोसाई जी नहीं आए, आज तो नहीं कल आएंगे, सुन दे जय जय राधा रमन लाल की जय। परिक्रमा में नहीं है महारानी लगा रहे, जय हो लाल की जय, श्री हरिवंश, श्री राधा रमण जी की बताई बड़े भावुक है। ये वैष्णवता है, वैष्णवता का देखो ये स्वरूप है कि स्वयं में गोसाई परिवार से, और वैष्णवता और दैन्यता आप देखते हो। अब देखो भक्ति का स्वभाव देखो, भक्त है तो हमारे इष्ट का इसलिए नाम ले रहे कि उनको सुख मिले, ये स्वभाव है। जो है वास्तविक संत स्वभाव की है ना, अब उनको ये लगता है कि इस संत को सुख कैसे मिलेगा, इनके इष्ट गुरु का नाम लेते हैं इनको सुख मिलेगा।
हाँ तो कबीर दास जी से कहा कि अरे बेटा राम राम हमने तुमको कब गुरु मंत्र दिया? बोले गुरु जी राम राम हमने अभी मान लिया। सब शिष्यों से कहा इससे बढ़कर और श्रेष्ठ शिष्य कौन हो सकता है। कबीर दास जी के ऊपर बुलाया और हाथ फेरा, सब सिद्धियों की खान हो गए कबीर दास जी। तो गुरु के मानने से शिष्य नहीं होता, शिष्य के मानने से कल्याण हो जाता है। तो अगर आप अभी मान लो कि हमारे साथ निकुंज की सहचरी चल रही, जब सहचरी है तो प्रियाजू लाल जो साथी हैं, जब नामवाणी की चर्चा हो रही है, श्री जी की सहचरी साथ है, श्री धाम वृंदावन है, हमें क्या चाहिए? इतना आनंद उमड़ेगा हृदय में कि आप फूले फूले नहीं समाओगे, है कि नहीं? साधन को ही साध्य स्वरूप से देखो तो आनंदित हो जाओगे। इस साधन के बाद इसका फल साध्य रूप में मिलेगा तो इंतजार करो। देखो भैया भाव का ही तो आनंद है, भाव से सब कुछ भाव से ही प्राप्त होता है।